हाथरस जिले में सोनार की दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचा लुटेरा। दुकान से 2 लाख से अधिक कीमत से 6 महीने की सोने की जंजीर लूटकर हुआ फरार। हाथरस जिले के थाना कोतवाली सिकंदराव क्षेत्र तिराहा बाजार स्थित घूंघट ज्वेलर्स पर आज सुबह एक लुटेरा ग्राहक बनकर पहुंचा और एक सोनार से ज्वेलरी खरीदने के नाम पर ज्वेलरी दिखाने की बात करने लगा। सोनार ने ग्राहक बनकर पहुंचे लुटेरे को सोने की जंजीर और अंगूठी दिखाई, जिसमें लुटेरा मौका पाकर सोनार की 2 लाख से अधिक कीमत की 6 सोने की जंजीर लूटकर फरार हो गया। जब तक सोनार कुछ भी समझ पाता तब तक वह लुटेरा लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना में क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं सोनार ने लूट की घटना सूचना तत्काल थाना पुलिस को सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर, एक सिकंदराव में सोनार की दुकान से एक लुटेरा सोने की चेन लेकर भाग गया, क्या कुछ जानकारी पाई आपने? देखिए, थाना सिकंदराव में एक ज्वेलर्स की शॉप जहाँ पर ग्राहक भर करके आया था, उसमें कुछ चेने देखी थी और उसी के बाद उन्हीं 6 चेन्स को वहाँ पर उसमें लेकर के वहाँ से वो निकल गया। हो सकती है, हाँ, वो डिपेंड करता है कि जो भी वो तारीफ देगा उसी पर जानकारी मिल पाई है पूरी कितनी कीमत भी थी। लेकिन पुलिस इसमें जुट गई और जल्दी इसका खुलासा करेगी। वो तहरीर आती पहले मुकदमा कायम किया जाएगा, उसके बाद इसकी खुलासा भी कार्रवाई करेगी। क्या घटना हुई आपके साथ में? यहाँ का आए हो देखने, चेन और अंगूठी वो देखते ही देखते वो पानी पीने लगा, पानी लेके और बुलारवा का ही है, मतलब अपने घर पिताजी है, फोन पर मोबाइल पर 6 जंजीर ले गए आप। 6 जंजीर आपके कैमरे चालू है? इसके सीसीटीवी कैमरे चालू ना, तार जला हुआ। सूचना पुलिस को दी आपने? हाँ, सूचना दी भाई साहब ने।